हेलो फ्रेंड, आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्वागत है एक के केसरी टेक में। माय नेम इज़ अक्षय कुमार केसरी। आज हम बताने वाले हैं काइन मास्टर में वीडियो एडिटिंग कैसे करें। मैंने पिछले वीडियो में फ़ोटो एडिटिंग के बारे में बताया है, इस वीडियो में मैं बताऊंगा कैसे मैं वीडियो एडिटिंग कैसे करें। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, मेरा चैनल सब्सक्राइब और लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि इसी से रिलेटेड वीडियो मैं लाता रहूँगा, टेक से रिलेटेड वीडियो। चलिए अपने मोबाइल स्क्रीन की तरफ। हेलो फ्रेंड, यहाँ ओपन हो चुका है। यहाँ सेटिंग का ऑप्शन दिया है, क्वेश्चन मार्क का ऑप्शन दिया है, यहाँ एडिटिंग का ऑप्शन दिया है, क्रिएटिंग का ऑप्शन दिया है, शेयर का ऑप्शन दिया है। यहाँ हम सेटिंग का ऑप्शन बता चुका हूँ। अब चलिए वीडियो एडिटिंग के बारे में बात कर रहे हैं। जो नहीं देखा है वो पिछले वीडियो जाके देख सकता है। यहाँ रेशियो के बारे में मैंने बता चुका हूँ। रेशियो में जाने के बाद एक नया डेस्कटॉप खुल जाएगा। यहाँ लेयर और एल्बम वॉइस नहीं काम करेगा जब तक आप मीडिया से कोई फ़ोटो या वीडियो नहीं ले लेते हैं। मैंने दो वीडियो ले लेते हैं, पहले चॉइस कर लेते हैं। पहला एक वीडियो मैंने ये ले लिया। यहाँ राइट साइड में यहाँ करेक्ट का ऑप्शन दिया है, यहाँ करेक्ट कर दीजिए। और फिर उसके बाद मैं फिर मीडिया में जाने के बाद दूसरा वीडियो ले लेता हूँ। एक दूसरा वीडियो मैं ले लेता हूँ। जैसे मैंने एक दूसरा वीडियो ले लिया, ये ले लिया। फिर उसके बाद मैं जाता हूँ लेयर में। लेयर में जाने के बाद आप यहाँ इफ़ेक्ट का ऑप्शन दिया, इफ़ेक्ट में जाइए। यहाँ देखिए बेसिक इफ़ेक्ट दिया है। बेसिक इफ़ेक्ट में मतलब आप कोई भी चीज़ ब्लर कर सकते हैं। जैसे यहाँ मैंने ब्लर कर सकता हूँ, कहीं भी कुछ भी हटाना हो या कुछ चीज़ नहीं दिखाना हो उस चीज़ को आप ब्लर कर सकते हैं। फिर इसके राइट साइड में जाके करेक्ट का ऑप्शन कर सकते हैं। नहीं दिखाना, फिर लेयर में जाने के बाद यहाँ सेकंड ऑप्शन दिया है ओवरलर। इसमें जाने के बाद आप कोई स्टिकर ले सकते हैं, चलता फिरता स्टिकर कहीं लगा सकते हैं यार, नहीं लगा सकते हैं बैक जाइए। अगर लगाना हो तो राइट क्लिक करके सही का ऑप्शन कर दीजिएगा, नहीं लगाना है तो डिलीट मार दीजिए। फिर उसके बाद लेयर में जाने के बाद यहाँ टेक्स्ट का ऑप्शन दिया है, टेक्स्ट में जाइए आप। टेक्स्ट में जाने के बाद आप कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने लिखा है टी ई सी एच मैंने लिख दिया, ओके कर दिया। ओके करने के बाद यहाँ टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ टेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ देखेंगे यहाँ कलर का ऑप्शन दिया। कलर के ऑप्शन में जाके आप कोई भी कलर चॉइस कर सकते हैं। रेड चॉइस कर लिया। चॉइस करने के बाद यहाँ देखिए रेड आ गया। इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं आप, बड़ा छोटा कर सकते हैं, और जितने देर तक रखना चाहते हैं उतने देर तक आप बढ़ा दीजिए वीडियो में। उसके बाद करेक्ट कर दीजिए। फिर इन यहाँ पे दिया है इन एनिमेशन में जाने के बाद फिर नॉन दिया है। नॉन मतलब आराम हुए कुछ नहीं। देखिए यहाँ बहुत तरह से दिया हुआ है, आप कोई भी रख सकते हैं। जैसे मैंने स्लाइड अप रख लिया। फिर उसके बाद मैंने ओके दे दी कर दिया। फिर उसके बाद टेक में जाने के बाद यहाँ देखिए ओवरले एनिमेशन दिया। उसमें जाने के बाद यहाँ देखिए फ्लिक दिया है, किसी भी तरह आप रख सकते हैं। देखिए आ रहा है, जैसे मैंने यही रख दिया। फिर उसके बाद आप लेयर में, उसके बाद फिर टेक में क्लिक करने के बाद यहाँ देखिए आउटर एनिमेशन दिया है। आउटर एनिमेशन में कोई भी चीज़ रख सकते हैं, जैसे मैंने रख दिया। फिर उसके बाद आपको टेक को जैसे वीडियो में चलाना है ऊपर नीचे, यहाँ टेक में क्लिक करने के बाद यहाँ देखिए की का ऑप्शन दिया है। की के ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पर वीडियो को आप चलाइए साथ में, और टेक को ऐसे घुमाइए, वीडियो को चलाइए, टेक को घुमाइए, वीडियो को चलाइए, जिस तरह चलाएंगे उस तरह चलेगा। फिर ओके यहाँ राइट साइड में ओके कर दीजिए। फिर देखिएगा यहाँ वीडियो मैंने चलाएगा, फिर टेक का ऑप्शन आएगा, देखिए चलता हुआ दिखाएगा, ये देखिए चलता हुआ दिखा रहा है। फिर उसके बाद आप यहाँ सॉन्ग भी लगा सकते हैं, वॉइस रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। सॉन्ग लगाने के लिए एल्बम में चल जाइए, एल्बम में आ जाएगा बहुत से म्यूजिक। जैसे मैंने ले लीजिए, यहाँ ऐड का ऑप्शन है, ऐड कर दीजिए। ऐड करने के बाद यहाँ देखेंगे सॉन्ग आ चुका है मेरा। सॉन्ग में क्लिक करने के बाद आप जितना चाहे उतना बढ़ा सकते हैं सॉन्ग को, देख रहे हैं ना, सॉन्ग को जितना चाहे उतना आप बढ़ा सकते हैं। जैसे मेरे को कट करना है सॉन्ग, यहाँ से कट भी कर सकते हैं, ट्रिम कर सकते हैं यहाँ सॉन्ग को। जैसे मेरे को यहाँ से ट्रिम करना है, इस पर क्लिक करके आप यहाँ देखेंगे, यहाँ इस पर क्लिक करके ट्रिम कर सकते हैं आप सॉन्ग को। जैसे यहाँ दिया है, जैसे मैंने ट्रिम कर चुका है, अब देखेंगे आप यहाँ सॉन्ग लग चुका है। फिर उसके बाद ओके का ऑप्शन कर देंगे, यहाँ देखिए आगे जाके सॉन्ग बजेगा।
देखिए वीडियो अब चल रहा है पूरा जितना मैंने किया है। अभी देखिएगा टेक जो मैंने लगाया था वो भी आएगा इस तरह। अरे देख रहे हैं घूमता हुआ टेक आ रहा है। अब फिर यहाँ से देखेंगे सॉन्ग अब बस के रहे हैं तो कहां रह गए थे आप? उसके बाद सॉन्ग बज रहा है। ये जो बीच में ये जो प्लस का ऑप्शन है ना मैंने बता चुका है एक बार, यहाँ 3 ट्रांजिस्टर पहले वीडियो मैंने बता चुका है फ्लिप कर सकते हैं उस तरह। और फिर इसके बाद आप इसको वीडियो को एक्सपोर्ट करने के लिए बैक जाइए। बैक जाने के बाद यहाँ पे आपका वीडियो एक तैयार है, इस पर क्लिक कर दीजिए। फिर यहाँ पे शेयर का ऑप्शन दिया है, शेयर में जाने के बाद आप यहाँ देखिए कितने क्वालिटी में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जितने क्वालिटी में एक्सपोर्ट करेंगे उतने क्वालिटी में हो जाएगा जितने MB में। जैसे मैंने एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, एक्सपोर्ट हो रहा है, इसी तरह होता है।